क्या तेलंगाना में टीआरएस को समर्थन देगी बीजेपी? टीआरएस को लेकर आखिर क्यों बदले बीजेपी के सुर? तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी भले ही सूबे के सत्तारूढ़ टीआरएस और सीएम के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलने में कोई कोताही नहीं बरती। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने भले ही सूबे की सत्तारूढ़ टीआरएस और सीएम के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलने में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही बीजेपी के सुर भी नर्म होते दिखाई दे रहे हैं। टीआरएस को लेकर बीजेपी के रुख में आई इस नरमी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो तेलंगाना में मुख्य लड़ाई टीआरएस और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। कांग्रेस गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, तेलंगाना जन समिति और सीपीआई शामिल है। ऐसे में अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी तो बीजेपी के पास टीआरएस को समर्थन नहीं देने पर विपक्ष में ही बैठने का ऑप्शन बचेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मिशन 2019 में बीजेपी को टीआरएस का साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर प्रदेश में बीजेपी के विस्तार को जोर का झटका लग सकता है। शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर राव की सरकार को भ्रष्ट और टीआरएस को फैमिली पार्टी बताने वाली बीजेपी के सुर बदल गए हैं। हालांकि वोटिंग के बाद 24 घंटे से भी कम समय में इस बदले स्टैंड के लिए बीजेपी ने एक शर्त भी रख दी है। बीजेपी ने कहा कि हम ऐसी सरकार को समर्थन करना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस और AIMIM ना हो। आपको बता दें कि वोटिंग होने के बाद सामने आए 3 एग्जिट पोल में से 2 तेलंगाना में टीआरएस को बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं तीसरे एग्जिट पोल में टीआरएस के लिए 48 से 60 सीटों की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि टीआरएस अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होती है या फिर उसे बीजेपी की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। इंडिया न्यूज़ बारेल की रिपोर्ट।